आई एम अरीश फारूक एंड यू पीपल आर वॉचिंग साइंस स्पिरिट चैनल। सो फाइनली, जैसे कि मैंने कल आप लोग से कहा था कि कल मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं सबको आंसर नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह कल मैं अपना लाइव सेशन दोबारा करूँगी, तो वो स्टूडेंट्स जिनके जो क्वेश्चंस रह गए थे वो मेरे से कल के सेशन में पूछ लीजिएगा। सो फाइनली मैंने अपना आज का लाइव सेशन स्टार्ट कर लिया है, तो कुछ सेकेंड्स वेट करेंगे ताकि कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम अपनी जो प्रॉपर आज का डिस्कशन है वो हम अपनी स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग लाइब्रेरी की बैक साइड पर हैं। जी गन लेज़र, वालेकुम अस्सलाम। लाइब्रेरी की बैक साइड से आज हम जो है अपना लाइव सेशन कर रहे हैं। ब्लॉक्स की बैक साइड पर लाइब्रेरी है और हम लोग लाइब्रेरी की बैक साइड पर हैं इस टाइम। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री का ब्लॉक इस वक्त जिस साइड पर मैंने कैमरा किया हुआ है, ये बायोकेमिस्ट्री का ब्लॉक है। ब्लॉक सारे सेम हैं, सेम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। सिक्स स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सो कुछ स्टूडेंट्स मज़ीद हमें ज्वाइन कर लें, फिर प्रॉपर जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, फिर आप अपनी क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट करिएगा। जी जोनाश, वालेकुम अस्सलाम। जोनाश, मैंने देखा है आपको काफ़ी दफ़ा आते जाते, अब नहीं है आप वहाँ जहाँ बैठी हुई थी। सो 12 स्टूडेंट्स आर विद अस। सो ठीक है, हम जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे तो उनका जो आंसर है वो कर देंगे। सो काइंडली आप अपने जो क्वेश्चनिंग है आपसे स्टार्ट करें। जी जोनाश, ठीक है। सो अब से क्वेश्चनिंग अपनी स्टार्ट करें, अब से ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको फिर मैं आंसर करूँगी। ओके, सना महमूद पूछ रही हैं कि एक प्रोग्राम में फ़ी सबमिट करवाने के बाद प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। जी सना, प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी फ़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दानियाल पूछ रहे हैं कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स कैसे करवाने हैं। दानियाल, आप यूनिवर्सिटी आ जाएँ, यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर देंगे। गन लेज़र, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आप बताएं आप कैसे हैं या कैसी हैं। और फैसल पूछ रहे हैं कि फ़ी सबमिट करवाने में कितनी देर लगती है। फैसल, आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, सबमिट करवाने हैं, फ़ी सबमिट करवानी है, ऑलमोस्ट आपको पूरा दिन लग ही जाएगा। एक दफ़ा तो आपको यूनिवर्सिटी आना ही पड़ेगा, दो घंटे तो आपके 2 से 3 घंटे मस्त लग जाएंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा पूछ रही है कि लास्ट मेरिट कितना होगा के करीब। और आबिद पूछ रहे हैं कि एमएससी मैथ की फ़ी कितनी है। एमएससी मैथ इवनिंग में ऑफ़र किया जाता है, इवनिंग के फ़ी स्ट्रक्चर पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पर भी मौजूद है, आप काइंडली आबिद उस वीडियो को देख लें, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। और मोहसिन वसीम पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़ी भी यूनी लानी है। जी मोहसिन, कल मैंने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और बाकी कुछ अपडेट्स शेयर कर दी थी, एक फ़ी प्रोसेसिंग पर मेरी वीडियो रह गई है, वो मैं आज इंशाल्लाह उस पर भी आपको वीडियो बनाकर तो डिटेल बता दूँ कि आपको किस तरह से फ़ी सबमिट करवानी है, और फ़ीस सबमिट करवाने के बाद जो चलान है उसकी जो कॉपीज़ हैं उसकी सबमिशन का क्या प्रोसेस है। तो ये 2 से 3 मिनट की जो है इस पर डिबेट है, और ये काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, तो फिर इस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। सो मोहम्मद फ़हीम पूछ रहे हैं कि मुझे डिपार्टमेंट का पता है लेकिन क्लास का कैसे पता चलेगा, रूम का, आपकी क्लास होगी या किस फ्लोर पर। अच्छा मोहम्मद फ़हीम, डिपार्टमेंट का आपको पता है तो आप बस अपने डिपार्टमेंट में आएंगे, वहाँ किसी भी क्लर्क से आप पूछ लेंगे कि एडमिशन्स को कौन डील कर रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि वो एडमिशन्स के जो प्रोसेस है उसको देख रहा है, ठीक है, और फिर सारे टीचर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट करवा रहे हैं। तो अब एडमिशन्स हैं तो आपको, आप बस डिपार्टमेंट आ जाएँ, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टीचर को असाइन किया गया है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी पूछ रहे हैं कि 72% मार्क्स हैं बीएस फिज़िक्स में, 3% तो आपका लास्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ रहा है। होप्स हो कि आपका लास्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो बिल्कुल बॉर्डर पर है।
ओके, हानिया पूछ रही है कि मैथ का क्लोजिंग मेरिट क्या है। मैथ का क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट 74% के करीब है, 74-75% के करीब। दानियाल ज़फ़र पूछे हैं कि विच डॉक्यूमेंट्स आर मस्ट रिक्वायर्ड इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट। दानियाल, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इन पर मैंने अभी कल ही वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर, टॉप पर ही एक दो वीडियोज़ में डॉक्यूमेंट्स की वीडियो होगी, तो काइंडली आप वो वीडियो देख लें, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। आयमी मिर्ज़ा पूछ रही है BBA का क्लोजिंग मेरिट। BBA का क्लोजिंग मेरिट है ऑलमोस्ट 66% के करीब, 65-66% के करीब। और अमना कह रही है कि मैम BBA का क्लोजिंग मेरिट 71.49 है लेकिन मेरा मेरिट 71.09 है सेकंड लिस्ट में। जी जी अमना, बिल्कुल 100% आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। मोमिना बट पूछ रही है BBA का क्लोजिंग मेरिट। BBA का क्लोजिंग मेरिट है ऑलमोस्ट 65-66% के करीब। जी दानियाल, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। और हाफिज़ कह रही हैं कि मेरा नेम को करिकुलर एक्टिविटीज़ आया है, फ़ी स्ट्रक्चर एंड लास्ट डेट बता दें। हाफिज़, अगर आपका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है ना, तो आपके पास 1 अक्टूबर की लास्ट डेट है, इसके अंदर अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने हैं और फ़ी भी सबमिट करवानी है। और फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर वो मौजूद है। फ़ी स्ट्रक्चर जो है, ये तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मॉर्निंग के फ़ी स्ट्रक्चर पर भी, इवनिंग के फ़ी स्ट्रक्चर पर भी। तो काइंडली जिन स्टूडेंट्स का अभी तक कन्फ्यूजन है, जिन स्टूडेंट्स का, वो काइंडली मेरी फ़ी स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख सकते हैं। और फैसल पूछ रहे हैं कि कल कितने बजे तक फ़ीस सबमिट हो सकती है। फैसल, वही जो बैंक की टाइम होती है 5 बजे तक, लेकिन आपने अगर काम करवाना है तो आप टाइमली आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाते हैं, टेस्ट करवाते भी तो टाइम लग जाएगा ना। और मोहसिन पूछ रहे हैं कि BS जोलॉजी की सेकंड मेरिट लिस्ट सेकंड कितना मेरिट होगा। मोहसिन, इस वक्त मैं मेरिट लिस्ट नहीं ओपन की हुई, आप काइंडली मुझे बता दें कि जोलॉजी का फिलहाल फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट क्या है, फिर मैं आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट जो है एक्सपेक्टेड मेरिट बता देती हूँ। ओके, BS इकोनॉमिक्स का लास्ट मेरिट क्या होगा, आयशा पूछ रही हैं। BS इकोनॉमिक्स का लास्ट मेरिट ऑलमोस्ट 54% के करीब, 54-55% के करीब। और शबीर, कितनी सीट्स हैं, 120 सीट्स होती हैं। अगर पूछें जिस डिपार्टमेंट से हैं, अगर तो आपने उसे 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ है, अगर एक डिपार्टमेंट में आपका फर्स्ट मेरिट डिपार्टमेंट में बस पूछें, मैं यूनी में हूँ, आप कौन से साइट पे हैं, आपको देख ही लेता। ज़हीर अब्बास, मैं इस वक्त लाइब्रेरी की बैक साइड पे हूँ, अगर तो आप करीब हैं तो श्योर यू कैन मीट मी। और बाकी इसके अलावा काशिफ पूछ रहे हैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 5-7% तक तो मस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में कम होगा। मैं आपको साइड पर हूँ, अगर आप करीब हैं तो आप मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। निशा कह रही हैं कि 72.74% मार्क्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लास्ट लिस्ट में नेम आ जाएगा। निशा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट ना ऑलमोस्ट 77-78% पर क्लोज होता है, तो आपका मेरिट 72% पर आ रहा है। बाकी इसके अलावा BS केमिस्ट्री का इवनिंग में लास्ट मेरिट क्या होगा, 60 से बिलो तक जाता है इवनिंग में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका मेरिट ऑलमोस्ट 50s में जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसकी रैंकिंग के थ्रू बाकी स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुंच जाए। सो काइंडली स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, जो लाइव सेशन आज का हो रहा है। बाकी इसके अलावा सबा कह रही हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, इन्वायरमेंटल साइंसेज। इन्वायरमेंटल साइंसेज का ऑलमोस्ट आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो क्लोजिंग मेरिट है वो मेरे साथ काइंडली शेयर कर दें। भी मैंने मेरिट लिस्ट ओपन नहीं की हुई, मैं फिर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का बता देती हूँ कि कहाँ तक मेरिट एक्सपेक्टेड है। जी ज़हीर अब्बास, मैंने आपको 3-4 दफ़ा रिप्लाई किया है, पूछ रहे हैं कितने परसेंट मेरिट होता है। आयमी मिर्ज़ा पूछ रही है BBA का क्लोजिंग मेरिट होता है ऑलमोस्ट 66% के करीब, 65-66% के करीब। बायो केमिस्ट्री मोहम्मद फ़हीम पूछ रहे हैं कि बायो केमिस्ट्री की सेकेंड मेरिट लिस्ट की कितनी परसेंटेज होगी। बायो केमिस्ट्री का क्लोजिंग मेरिट मैं आपके साथ 1 मिनट शेयर कर दूँ। क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट 82% के करीब होता है, तो बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली बहुत हाई रैंकिंग का, हाई स्कोपिंग सब्जेक्ट है, तो इतना परसेंट डिफरेंस नहीं आएगा, 5% तक आप करने के डिफरेंस आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है।
और एमएससी मैथ्स की कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं एमएससी मैथ्स की। और बाकी इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आयशा पूछ रहे हैं कि 59% मार्क्स हैं, फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया। मैंने बीएस साइकोलॉजी, बीएस आईआर, बीएस इंग्लिश और बीएस फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में अप्लाई किया है, सेकंड में नेम आ जाएगा या नहीं? 59% मार्क्स हैं तो बीएस एजुकेशन में आपका नेम आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी आपका नेम आ जाएगा। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मुश्किल है क्योंकि उसका मेरिट ज़्यादा होता है 69% के करीब, और इसी तरह इंग्लिश में भी मुश्किल है क्योंकि इंग्लिश का मेरिट भी 67% के करीब होता है। बाकी इसके अलावा आबिद पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ एमएससी मैथ्स, एमएससी मैथ्स की नंबर ऑफ़ सीट्स 60 होती हैं। और बाकी इसके अलावा जहीर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल का सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना होगा? ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो क्लोजिंग मेरिट है वो मेरे साथ काइंडली शेयर कर दे, तो मैं सेकंड मेरिट लिस्ट का आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैंने मेरिट लिस्ट वगैरह अपने सामने नहीं ओपन की हुई। क्लोजिंग मेरिट आप मेरे साथ शेयर कर दें फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। बायो केमिस्ट्री का मोहम्मद फ़हीम क्लोजिंग मेरिट पूछ रहे हैं, बायो केमिस्ट्री हाई स्कोपिंग सब्जेक्ट है, इसका मेरिट ऑलमोस्ट 82% के करीब, 81-82% तक तो मस्ट है क्लोजिंग मेरिट इसका। और स्टेटस वर्ड वालेकुम अस्सलाम। और बाकी काशिफ अली बीएस इलेक्ट्रिकल, बीएस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें 120 सीट्स ऑफर की जा रही हैं। और किरण पूछ रहे हैं कि 69% मार्क्स हैं, बीएस इंग्लिश की सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा? बीएस इंग्लिश की 69% मार्क्स, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में ज़्यादा चांसेस हैं आपका नियम आने की, क्योंकि क्लोजिंग मेरिट 66 है तो 69% मार्क्स हैं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका एक्सपेक्टेड है। सो बाकी इसके अलावा मरगजार कैंपस वालों ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करवाने हैं? सुपर वीडियो पूछ रहे हैं, वो अपने कैंपस में ही डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाएंगे। स्टेटस वर्ड पूछ रहे हैं कि एससी का क्लोजिंग मेरिट क्या होगा? फर्स्ट में 82 है, सॉफ्टवेयर इंजन के क्लोजिंग मेरिट 77-78% के करीब होगा। इन्वायरमेंटल साइंसेज लास्ट 74.85 है, इन्वायरमेंटल साइंसेज का क्लोजिंग मेरिट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ऑलमोस्ट होगा 58% के करीब। इन्वायरमेंटल साइंसेज की सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑलमोस्ट 63-64 तक जाएगा, और फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में ऑलमोस्ट इन्वायरमेंटल साइंसेज का जाएगा 57-58% के करीब। और बाकी इसके अलावा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट ने फ़ी कब तक पे करनी है? हसन, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट्स ने फ़ी कल तक अपलोड करनी है, 1 अक्टूबर तक। और बाकी इसके अलावा माई नेम इज़ हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? जी गन लेज़र, आप मुझे मेरे चैनल के थ्रू ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर आप मैसेंजर पर करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है जैस फारूक, JASPH और आगे फारूक। जैन अली पूछ रहे हैं कि 71.54 है तो आईटी में नेम आ जाएगा? जैन, आईटी का मेरिट 72-73% के करीब होता है, समटाइम 71 तक भी जाता है, आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो तो चांस है कि मे बी आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में आए, श्योरिटी के साथ नहीं मैं कहूँगी क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर पे है आपका मेरिट। ओके आयशा है कि आप ही फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आईआर में ऑप्शनल था, मेरा दिल साइकोलॉजी था, तो अब अगर आईआर या फिज़िकल एजुकेशन में नाम आ जाता है तो कौन सा? फिज़िकल एजुकेशन ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स तो नहीं, उस वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो जाएं, वरना फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ बेस्ट। मुकीत पूछ रहे हैं इंग्लिश का क्लोजिंग मेरिट कितना होगा? इंग्लिश का क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट 67% के करीब होगा। मैथ्स कॉम का अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि 66 पर स्टॉप हुआ है फर्स्ट में, नेक्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में कहां तक होगा? मैथ्स कॉम का मेरिट पूछ रहे हैं, मैथ्स कॉम का मेरिट ऑलमोस्ट 5% तक बिलो कर लें, मैथ्स कॉम का मेरिट 5-6% तक ही बस बिलो जाएगा। बाकी इसके अलावा पूछ रहे हैं कि ज़ाहरा पूछ रही हैं कि 75.5 है सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी का मेरिट 68 है आपके, 70 जी सेकंड मेरिट लिस्ट में आपके एक्सपेक्टेड है, ज़ाहरा सेकंड में नहीं तो थर्ड में तो 100% आ जाएगा, वैसे सेकंड में ही एक्सपेक्टेड है जी। अफाक वालेकुम अस्सलाम। आमना पूछ रही हैं कि मैम फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स
के टीचर्स और क्लासेस अलग अलग होती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, सारे जो तीनों मेरिट लिस्ट के बाद 120 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। दोनों को टू सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, 60 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में, 60 स्टूडेंट्स दूसरे सेक्शन में। मार्क्स की बेस पर नहीं किया जाता, किसी बेस पर नहीं किया जाता, रैंडमली 60 स्टूडेंट्स को एक साइड पर कर दिया जाता है और रिमेनिंग 60 स्टूडेंट्स को दूसरी साइड पर कर दिया जाता है। बी एस जोलॉजी का 84.75 था, सेकेंड में कितना होगा? बी एस जोलॉजी का जस्ट मिनट 84 पे, जी बिल्कुल 84 पे है। तो बी एस जोलॉजी का ऑलमोस्ट 5 से 6% ही कम आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट में, फिर उसके बाद 75 तक आएगा। जैस फरूक मैम स्पेल ठीक है? नहीं, जहीर अब्बास, जे ए एस पी एच और उसके बाद फारूक, एफ ए आर डबल ओ क्यू। ओके, इसके बाद अदनान अमजद पूछ रहे हैं बी एस फिज़िक्स बी एस ईव 62% किस मेरिट लिस्ट में नेम आएगा? बी एस फिज़िक्स में इवनिंग में अप्लाई किया हुआ 62% मार्क्स हैं। बी एस फिज़िक्स इवनिंग में सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा। और सैयद उस्मान हैदर पूछ रहे हैं सलाम डियर, वालेकुम अस्सलाम, बी एस फिज़िक्स मॉर्निंग सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरिट कहाँ तक होगा? तो सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑलमोस्ट मेरिट 5 से 7% तक करें आप, 5 से 7% तक सेकंड मेरिट लिस्ट में बिलो कर लें फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन। और जो क्लोजिंग मेरिट होगा बीएस फिज़िक्स का वो ऑलमोस्ट 73-74% के करीब होगा। तो बाकी मोहम्मद हामिद पूछ रहे हैं डिज़ाइनिंग का मेरिट 68 पर क्लोज़ हुआ है, कहाँ तक गिर सकता है? बीएस डिज़ाइनिंग का मेरिट में आपके साथ जो क्लोजिंग मेरिट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ऑलमोस्ट 59% तक जो है ये मेरिट जाएगा। और अफाक पूछ रहे हैं कि मैम 68.65 हैं बीबीए में सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा? अफाक बीबीए की आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में मुश्किल है क्योंकि 66% ऑलमोस्ट क्लोजिंग मेरिट है, तो आपका थर्ड में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। बाकी इसके अलावा मरगज़ार कैंपस में टीचर्स हाफिज़ हयात कैंपस वाले होते हैं? नहीं सुपर वीडियो, हाफिज़ हयात कैंपस वाले तो टीचर्स नहीं होते, लेकिन वहाँ पर भी टीचर्स एम फिल पी एच डी लेवल के टीचर्स होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी कौन सी जगह पे है? मिल नहीं रही है, जलालपुर की साइड पर है यूनिवर्सिटी। और अहमद रज़ा क्वेश्चन पूछे कि बी एस एस ई का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट 82.75 था और मेरा 77.88 है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा? बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कह रहे हो, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में अहमद ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेरिट इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करता, 3-4% ही बस डिक्रीज़ करता है। बट होप सो कि इंशाल्लाह आ जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, अगर सेकंड में नहीं तो इंशाल्लाह थर्ड में आ जाएगा। गन लेज़र पूछ रहे हैं आप ही, मेरा 71.68 है तो बॉटनी में किस मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड है? बॉटनी में आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में ही एक्सपेक्टेड है डियर। और मैम ये ना हो कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगे ही ना, सबा गफार कह रही हैं, तो नहीं सबा थर्ड मेरिट लिस्ट तो मोस्टली लगती है, बहुत कम रेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं लगती, इवन कि लास्ट टाइम तो फोर्थ मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हुई थी। तो डोंट लूज़ होप, इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट वगैरह जो है सेकंड थर्ड तो इंशाल्लाह डिस्प्ले होगी, फोर्थ के भी चांसेस होते हैं। ये चीज़ इस ये जो बात है इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, अगर तो फर्स्ट टू मेरिट लिस्ट में 120 सीट्स कवर्ड हो जाएं, 120 स्टूडेंट्स फी भी सबमिट करवा दें तो इसके फिर थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं लगती, अगर जो सीट्स बच जाएँ तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद भी सीट्स बच जाएँ तो फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लगती है। अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो गया है तो काइंडली आप रिपीट कर दें। सुपर वीडियो पूछ रहे हैं कि मरगज़ार कैंपस में बिल्डिंग ओल्ड है? जी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मेन कैंपस है ये तो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है, अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है। मरगज़ार कैंपस पुराना कैंपस है बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वेल कंस्ट्रक्टेड है, बेस्ट कंस्ट्रक्टेड है। अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो गया तो काइंडली रिपीट कर दें। ओके, अब यार पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करवाने हैं? अपने डिपार्टमेंट में, आपने इंग्लिश में अप्लाई किया है तो इंग्लिश में करवाएंगे, जोलॉजी में किया है तो जोलॉजी के डिपार्टमेंट में आके करवाएंगे, कोई स्पेसिफिक ब्लॉक नहीं है, हर डिपार्टमेंट का अलग से है।
नकाश का क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। नकाश, आपका क्वेश्चन शायद स्किप हो गया, आप कहेंगे अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, और अगर मज़ीद किसी का क्वेश्चन स्किप हुआ है तो वो भी रिपीट कर दें। हाँ जी, ये आ रहा है इंतसारुल हसन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 82 पर स्टॉप हुआ है, मेरे मार्क्स 77 है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में 3-4% ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिक्रीज़ करता है, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, सेकेंड में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इंशाल्लाह थर्ड मेरिट लिस्ट में तो मस्ट आ जाएगा। अगर डिपार्टमेंट, अच्छा शहर पूछ रही है, मेरिट पे नाम आ जाने के बाद अगर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहे तो हो सकता है? जी अगर तो आपने 2 से 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ है तो फिर तो डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, अगर आपने फ़ी भी सबमिट करवा दिया तो फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। नायाब नदीम पूछ रही है कि 82% मेरिट है, बीएस जूलॉजी में नाम आ जाएगा? जी बिल्कुल, 82% मार्क्स हैं तो बीएस जूलॉजी में नाम आ जाएगा। ओके, आयमी मिर्ज़ा पूछ रही है कि मैम बीबीए की थर्ड मेरिट लिस्ट कितने परसेंट पर क्लोज होगी? बीबीए की ऑलमोस्ट 66% पर क्लोज़ होगी, 66-67% के करीब। मोहम्मद फ़हीम पूछ रहे हैं कि हॉस्टल के एडमिशन्स फ़िलहाल ओपन नहीं हुए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जब उनको रेगुलर किया गया तो फिर होप्स हो कि एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं तो एडमिशन्स फ़िलहाल ओपन नहीं हुए। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद पूछ रहे हैं कि इवनिंग से मॉर्निंग में माइग्रेशन करवाई जा सकती है? नहीं, अगर तो आपने मॉर्निंग में भी अप्लाई किया हुआ है, इवनिंग में भी अप्लाई किया हुआ है, फिर तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो फिर आप नहीं करवा सकते। बीएस इंग्लिश का मेरिट इतना हाई क्यों है? नकाश, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना हाई होता है, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह डिक्रीज़ पे जाएगा इंग्लिश का मेरिट। ओके, 79% मार्क्स बीएस इंग्लिश में हो जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, बीएस इंग्लिश में 79%, जी बिल्कुल 79% मार्क्स पे इंशाल्लाह हो जाएगा। जी नायाब नदीम, 82% मार्क्स में बीएस जूलॉजी में एडमिशन हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, ज़हीर आप हैं? नहीं, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक मैम, हो गया। मेरा तो वो पूछना था कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका है? मैकेनिकल का, तो उसका पूछना था आपने। एक मिनट स्टूडेंट्स प्लीज, जस्ट अ मिनट, वो एक स्टूडेंट मिलने आए तो उनसे मुलाकात के बाद मैं अपना सेशन कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, मैकेनिकल की आपने फी कहा था 43 शायद टोटल फीस आपने उठाई। हाँ जी, 55 इवनिंग में कर दिया शिफ्ट। हाँ, इवनिंग में फिर, हाँ इवनिंग में है तो मैंने इस तरह से फी मैंने की थी मॉर्निंग की और इवनिंग, जो प्रोग्राम्स मॉर्निंग में पढ़ाए जा रहे हैं उनकी इतने के करीब है, 43-44 के करीब, तो वो इवनिंग में है तो इवनिंग की 55-56 के करीब है। नेक्स्ट में आप कर लें तकरीबन 10-12,000 कम कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, थैंक यू, कोई मसला। स्टूडेंट आप में से ही जो है मिलने आ गए थे, तो इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन अगर किसी का स्किप हो गया इतनी देर तो आप काइंडली रिपीट कर सकते। हाँ जी, पूछना था कि अगर डिपार्टमेंट चेंज करना हो, दूसरे डिपार्टमेंट अप्लाई किया हुआ है, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, नहीं सेकंड में अगर आ गया था तो फी ट्रांसफर हो जाती है? हाँ जी, फी ट्रांसफर इजीली हो जाएगी, उस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो करूँगी शेयर। ओके, वेलकम। हाँ जी, मेहर उमेर अब्बास पूछ रहे हैं कि आप ही क्या बीएस आईटी की सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी? जी जी, इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट तो मस्ट डिस्प्ले होती है। अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो गया तो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, एक स्टूडेंट आ गए थे मिलने के लिए इस वजह से मुझे जाना पड़ा, तो अगर किसी क्वेश्चन स्किप हो गया तो काइंडली रिपीट कर दें। मोहम्मद फ़हीम पूछें कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी? इंशाल्लाह आप इस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट कितना डाउन होगा? जैन अली, आप काइंडली बता दें कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट क्या था, क्योंकि मेरे पास अभी मेरिट लिस्ट वगैरह मैंने ओपन नहीं की हुई, आप मुझे फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट बता दें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। क्या एमएससी के लिए भी एनओसी प्राइमरी नहीं है? एनओसी अगर तो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह 1 से 2 दिन में आप अरेंज कर सकते हैं आप वो तो आप सबमिट करवाएँ, बाकी एनओसी कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो इट्स ऑल फाइन। जी, अब्रार यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट है, सुपर वीडियो कह रहे हैं क्या फ़ी वापस हो सकती है? जी, फ़ी रिटर्न तो हो जाती है, लेकिन सारी फ़ी रिटर्न नहीं होती, ऑलमोस्ट 10-12,000 फ़ी जो है वो कम रिटर्न होती है। जी नॉलेज बट, आप काइंडली साइकोलॉजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बता दें कि क्लोजिंग मेरिट क्या था, फिर मैं आपके साथ सेकेंड मेरिट लिस्ट भी शेयर कर देती हूँ।
नाम ऐसे में आ सकता है। स्टेटस वर्ड आप बिल्कुल बॉर्डर पे क्लोजिंग मैरिट इसका 75, 76, 77, 78 यहाँ तक आता है। मैंने आपके साथ 4 नंबर्स शेयर किए हैं। आप बिल्कुल लास्ट पे बॉर्डर पे आ रहे हो रिस्क में। अगर किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो आप उसमें फ़ीस सबमिट करवा दें बाद में। अगर एससी में आया तो आप जो है फ़ी ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। ओके, ज़ाहरा पूछ रही है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना डाउन आएगा। साइकोलॉजी में फर्स्ट पे 17, ज़ाहरा का क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिया, शायद वो दोबारा पूछना चाह रही हैं। तो मॉर्निंग में नेम आ जाए तो क्या फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है? राफिया, इवनिंग और मॉर्निंग का फ़ी स्ट्रक्चर सेम नहीं है। बिल्कुल सेम फ़ी स्ट्रक्चर हो, सेम क्रेडिटर्स हो, तो फिर फ़ी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये है कि इवनिंग में फ़ी अगर 56 के करीब इस दफ़ा जा रही है, मॉर्निंग में अगर 43 के करीब आती है, तो फिर आपको मज़ीद इवनिंग से मॉर्निंग में आएंगे, तो फ़ी का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह चलें, ये मैं आपको क्वेश्चन जो है रिपीट करिएगा मेरे किसी वीडियो के कमेंट में, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में ना कंफर्मेशन के साथ बता दूंगी। जैन अली पूछ रहे हैं कि 67% क्लोजिंग था। जैन अली, आपने कौन से डिपार्टमेंट के बारे में पूछा था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपने पूछा था, और 67% फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग है। 67% फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जैन अली, अपना पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर क्लोजिंग मेरिट क्या आया, ये आप मुझे बताएं। मुबशर पूछें कि अब एडमिशन्स ओपन होंगे अगर सीट्स बच गई तो? नहीं मुबशर, अब एडमिशन्स वगैरह ओपन नहीं होंगे, सीट्स बचेंगे नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 1000+ एक एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इवनिंग की फ़ी कितनी है? मारिया पूछें, मारिया इवनिंग के फ़ी स्ट्रक्चर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप काइंडली वो वीडियो देख सकते हैं, मॉर्निंग पर भी और इवनिंग पर भी। और ज़ाहरा पूछ रही है कि 76 था क्लोजिंग मेरिट, कितना होगा साइकोलॉजी में? 76 था तो अब ऑलमोस्ट जाएगा 71 तक ऑलमोस्ट जाएगा। ओके, मोहम्मद हामिद पूछ रहे हैं कि मेरा नाम एनवायरमेंटल साइंसेज आया है, तो अगर मैं फ़ी सबमिट करवाऊँ तो क्या मैंने बाकी जिन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया उनका एडमिशन कैंसिल तो नहीं? कैंसिल नहीं होगा, बाकी डिपार्टमेंट्स की मेरिट लिस्ट में भी आपका नेम आएगा। बाद में अगर आप डिपार्टमेंट चेंज भी करना चाहें तो फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, आप चेंज कर सकते हैं। ओके, मोहम्मद फरीम, लास्ट बस टाइम क्या होता है? मॉर्निंग में लास्ट बसेस का टाइम ऑलमोस्ट 4:30, 4:45 होता है। इलियास मोहम्मद पूछे कि 52% मार्क्स हैं, मेरा नेम एजुकेशन या साइकोलॉजी में हो जाएगा? 52% मार्क्स जी एजुकेशन में हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी का मेरिट ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 69%। BS IT की टोटल 120 नेम मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो कैसे कि मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी? मेहर उमेर, 120 नेम आए हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, इनमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 60% ऑलमोस्ट 50-60% स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवाएंगे और उनका एडमिशन कंफर्म होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने एज एन ऑप्शन अप्लाई किया होता है किसी डिपार्टमेंट में। कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी में एज एन ऑप्शन करवाया होता है, तो 120 स्टूडेंट्स फ़ी नहीं सबमिट करवाएंगे। ये हर साल हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को नोटिस करते हैं, ऑलमोस्ट 50-60% सिर्फ स्टूडेंट्स फ़ी सबमिट करवाते हैं। सुपर वीडियो, क्या एडमिशन में सिफारिश चल सकते हैं? नहीं, सुपर वीडियो सारा काम ऑनलाइन है, इसमें किसी किस्म की भी सिफारिश नहीं चलती। अगर तो ऑनलाइन काम ना होता फिर था, किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन है जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5% ऑलमोस्ट डायनली बिलो जाएगा इसका, 5-6% बिलो जाएगा। सहर नवाज, आपका क्वेश्चन स्किप हो गया है, आप काइंडली रिपीट कर दें, आपकी तरफ से क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। काफ़ी मैं ऊपर गई हूँ लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं मिला, आप काइंडली रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। सो BS एजुकेशन की मॉर्निंग लिस्ट कब लगेगी? BS एजुकेशन की मॉर्निंग लिस्ट कब लगेगी? तो मॉर्निंग लिस्ट होप्स हो के कमिंग एक दो दिन में इंशाल्लाह लग जाएगी। मोहम्मद फ़हीम पूछें, इवनिंग टाइमिंग क्या होती है? इवनिंग टाइमिंग ऑलमोस्ट 1:30, 1:45 से स्टार्ट कर मैक्सिमम 7:30, 8 तक जाती है, लेकिन अगर आपके किसी दो लेक्चर्स हैं, आप टाइमली फारिग हो गए हैं, तो आप घर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू सो मच। आयशा पूछ रही है कि आप ही प्लीज़ मेरा भी एक लास्ट रिप्लाई कर दें, डॉक्यूमेंट्स लेके और फ़ीस सबमिट करवाने जब आना है तो कितने लोग आ सकते हैं हमारे साथ, एक या दो, और टाइमिंग क्या होगी, किस टाइमिंग पे आए? जी आयशी, बेहतर है कि आप किसी एक के साथ ही आओ, क्योंकि आपको पता है कोरोना SOPs वगैरह चल रही हैं। अगर दो भी आना चाहो तो कोई मसला नहीं, आने तो दे रहे हैं, आप आ सकते हो, एक के साथ आना चाह रहे हो, दो के साथ आना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, अगर ना भी आने दिया तो दो लोग पहले एंटर हो जाएगा, बाकी एक बाद में एंटर हो जाए। यूनिवर्सिटी में आने के बाद आप जो है दोबारा से रीयूनियन आपका हो सकता है। और टाइमिंग जो है आप ऑलमोस्ट 10 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस टाइमिंग पे आप आ सकते हैं। अफाक अहमद का क्या क्वेश्चन था? अफाक अहमद की तरफ से क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, लेकिन अफाक अहमद का क्वेश्चन नहीं मुझे मिल रहा। अफाक आप काइंडली अपने जी, अगर अप्लाई किया है 2 से 3 डिपार्टमेंट्स में तो फिर शहर चेंज हो सकता है, अगर अप्लाई नहीं किया तो अब डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। और अफाक की तरफ से क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, लेकिन अफाक का क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा। और राना कबीर का क्या क्वेश्चन है? MSc CS GT रोड कैंपस की सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या मेरिट हो सकता है? लास्ट मेरिट जी, MSc CS ऑलमोस्ट GT रोड कैंपस है तो 5 से 7% तक सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट डिक्रीज करेगा जी। नॉलेज वर्ड आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी क्वेश्चन मैं देख रही हूँ। मैम अपना नंबर तो दे दें, UOG आए तो आपसे। अदनान आप आपका रियल नेम क्या है? आप बॉय हो गर्ल हो? आप मेरे से मैसेंजर पे ही इतना ही मैं फैसिलिटेट कर सकती हूँ, आप मैसेंजर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी आईडी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, जैस फारूक JASPH और फारूक FAROQ। और जो कॉलेज UOG से एफिलिएटेड जी, माइग्रेशन स्टेटस पर माइग्रेशन हो जाती है। बाकी इसके अलावा मैम अभी डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे अगर मैं अभी यूनी आऊँ तो? नहीं मोहम्मद दनीस, अभी आप ना आएँ क्योंकि 3:30 ऑलमोस्ट 4:15 पे वैसे यूनिवर्सिटी क्लोज़ हो जाएगी। इस टाइम वैसे भी टीचर्स जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर करके कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाएगा। और अगर आप आ भी जाते हैं तो एक दिन में आपका अभी आधे घंटे में सारा काम नहीं होगा, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सबमिशन का अलग प्रोसेस है, तो 2-3 घंटे तो मस्त लग जाते हैं। मैम मैंने क्वेश्चन किया था बट मिस हो गया आपसे जी। अफाक आप काइंडली दोबारा क्वेश्चन करें, अब मैं आपका क्वेश्चन देखती हूँ। जी अदनान अमजद आप गर्ल हैं, आप मेरे से मेरे मैसेंजर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आईडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जी अदनान अमजद आप अपनी आईडी का फिर नेम चेंज कर लें, क्योंकि बाय नेम ही जो है इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी मारिया वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अमना पूछें कि डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन ऑनलाइन है लेकिन कोई आइडिया नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं ओरिएंटेशन से पहले ही आपको गाइड कर दूंगी, ऑनलाइन क्लासेज जब स्टार्ट होंगी उससे पहले भी गाइड कर दूंगी, और क्लासेज में फिर नेक्स्ट जो जो प्रोसीजर हैं, जो जो क्राइटेरिया, इंशाल्लाह वो फिर आप मेरे साथ इन टच रहें, मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट तक फैसिलिटेट करती रहूँगी। जैनी नूर जी जी प्लीज़ आप बताएँ किस मामले में आपको मेरी हेल्प चाहिए? जी वहाँ 2% तक तो BSCS का मेरिट मस्ट डिक्रीज़ होगा। जैनी नूर पूछ रही है क्या फ़ी रिफ़ंड होती है? जी फ़ी रिफ़ंड हो तो जाती है लेकिन सारी फ़ी रिफ़ंड नहीं होती, ऑलमोस्ट 10 से 12,000 जो है कम रिफ़ंड होती है। नहीं जैनी नूर सारी फ़ी नहीं रिफ़ंड होती। जी नबील अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू सो मच। इवनिंग क्लोज हुआ है, मेरे सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। मारिया अपना मेरिट शेयर कर दें। और ओवरसीज वाली लिस्ट कैसे चेक होगी? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। कैसे मतलब मेरिट वगैरह का पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। नबील पूछे मेरा भी बता दें, 73% पर IT यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट तो 77% के करीब होता है, और IT में आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, IT का मेरिट 70% 71% तक होता है। जी गल लेज़र कैलेंडर पर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ओरिएंटेशन ऑनलाइन लिखी हुई है। जिस दिन ओरिएंटेशन है उसी दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो अब ये तो नहीं कि आप ओरिएंटेशन ऑनलाइन लेंगे और क्लासेस आप जो है रेगुलर यूनिवर्सिटी में आकर लेंगे।
वहाँ पर इसलिए ऑनलाइन नहीं मेंशन क्योंकि अभी कुछ दिन हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हैं। अगर तो कोई ऐसी आ जाती है पॉलिसी या ऐसा कोई डेट आ जाती है कि आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी बुलाया जाए तो मे बी आपको रेगुलर बुला लिया जाए। इसीलिए मैंने खुद अभी आप लोगों के साथ जो क्लासेस की डेट शेयर नहीं की ताकि इस हवाले से कन्फर्म नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन जो अभी तक की अपडेट्स हैं वो यही हैं कि जो क्लासेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों की वो ऑनलाइन स्टार्ट होंगी। यरका राब पूछ रहे हैं कि 61% मार्क्स हैं, साइकोलॉजी में एडमिशन हो जाएगा? साइकोलॉजी का मेरिट ऑलमोस्ट 68% 69% के करीब होता है। मोहम्मद फेस ओपनिंग में तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बुलाया हुआ है। नहीं नहीं मोहम्मद फ़हीम, आपको थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग शायद हो गई है। 3 फेजेस में यूनिवर्सिटी ओपन होनी है। फर्स्ट फेज़ में लास्ट ईयर वालों को बुलाया गया है, एमफिल को बुलाया गया है, पीएचडी को बुलाया गया है जो कि 15 सितंबर से अपनी क्लासेस ले रहे हैं। सेकेंड फेज़ में फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बुलाया जाएगा और थर्ड फेज़ में बाकी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। इलियास 52% मार्क्स है तो बिल्कुल बीएस एजुकेशन में आपका नेम आ जाएगा। नबील पूछे हैं यूजी में टेलीकॉम इंजीनियरिंग है तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग नहीं है। तो आप उनकी डू रॉक आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें क्या अपडेट्स वगैरह वहां पर आ रही हैं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह आपके पास है तो वहां पर आप चेक करें। नॉलेज वर्ल्ड का कब से पूछा हुआ है नॉलेज वर्ड, आपका क्वेश्चन मेरा ख्याल है स्किप हो गया है, मैं देख रही हूँ, काइंडली रिपीट कर दें आप अपना क्वेश्चन। नहीं आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, आप काइंडली रिपीट कर दें। अच्छा मिल गया नॉलेज वर्ड आपका क्वेश्चन। मेरा नेम आया आएगा 73% साइकोलॉजी 68% तो 73% है, सेकेंड ऑलमोस्ट आएगा 70% तक तो मस्ट आएगा, 70% तक आएगा जी। तो स्टूडेंट्स 5 मिनट्स हैं बस आपके पास, अगर किसी का इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर अपना सेशन आज का एंड करने वाले हैं। अच्छा आपको ना फिर यूनिवर्सिटी विज़िट करना पड़ेगा, अगर लिस्ट वगैरह में कुछ स्टूडेंट्स की ना लिस्ट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही हैं, रिज़र्व सीट्स वालों को प्रॉब्लम आ रही है इसी तरह, ठीक है, कोटा वालों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी आके अपने डिपार्टमेंट से विज़िट करें क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये जो सीट्स हैं रिज़र्व सीट्स वेरी कर रही हैं, क्राइटेरिया थोड़ा वेरी कर रहा है, तो आप काइंडली विज़िट करें इंस्टीट्यूट में। एमएससी में थर्ड ईयर की बेस पर या फोर्थ ईयर की बेस पर मेरिट बनेगा? एमएससी में थर्ड ईयर की बेस पर मेरिट बनेगा। ओवरऑल इलियास मोहम्मद ओवरऑल देखकर मार्क्स जो है एडमिशन मिलेगा, 79% मार्क्स हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। इंग्लिश में, इंग्लिश में 17 जी सेकंड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंसेज में मरियम जुल्फिकार पूछ रही हैं 72% के करीब इनके मार्क्स हैं तो जी बिल्कुल डेफिनेटली 100% आपका हो जाएगा। एमएससी मैथ्स की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, यूनिक प्रोडक्शन एमएससी मैथ्स के हवाले से मैंने आपको बताना था कि एमएससी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट वगैरह तो लगी है लेकिन फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को फ़िलहाल एडमिशन नहीं दिया गया, आपके एग्ज़ाम्स के बाद जो है लिस्ट वगैरह कंटिन्यू की जाएंगी जी। मारिया राइट्स आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, बस आपको रिप्लाई करते हैं फिर अपना जो आज का सेशन है वो एंड करते हैं। 79% मार्क्स हैं ज़िरवा अमान की तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जी इंशाल्लाह सेकेंड मेरिट लिस्ट में 100% आपका आ जाएगा। यूनिक प्रोडक्शन जीएमएससी की सेकंड मेरिट लिस्ट भी लगती है, थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगती है लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। बीएससी के जी तो स्टूडेंट्स बॉटनी में 71% बॉटनी का मेरिट में आपका 70% ऑलमोस्ट बॉटनी का मेरिट होता है तो होप सो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। एमएससी वालों का कब ओपन होगा? बीएससी के एडमिशंस के बाद जी। तो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली इसको लाइक कर दें और अपना आज के सेशन में एंड करने लगी हूँ जी। राना थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगती है सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगर इसका मजीद कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ ले, कमेंट्स वगैरह देख लेती हूँ, जो कॉमन क्वेश्चन हैं उन पर फिर मैं सेपरेट से वीडियोज़ भी बनाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।